रायपुर ग्रामीण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने होटल में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई की। पुलिस ने ताला मोड़ के होटल स्टार डस्ट में छापा मारा और हुक्का बार में पार्टी करते युवक युवतियां पाए गए। एक दर्जन से ज्यादा हुक्का फ्लेवर के डिब्बे और अन्य उत्पाद यहां से जब्त हुए। कोटपा एक्ट और एक्साइज एक्ट में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पार्टी करते युवक युवतियों पर जुर्माना लगाया। पुलिस ने होटल मैनेजर विजय नरेडी को गिरफ्तार किया। एक दर्जन से ज्यादा हुक्का फ्लेवर के डिब्बे और अन्य उत्पाद जब्त हुए। कोटपा एक्ट और एक्साइज एक्ट में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पार्टी करते युवक युवतियों पर जुर्माना लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जयपुर ग्रामीण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हाँ देखिए मनीषा, बिल्कुल कल देर रात को जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे जयपुर शहर के अंदर, उसी दौरान यहाँ पर कुछ होटल्स और क्लब और जितने भी जो जहाँ पर पार्टी का आयोजन होता था वहां पर पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी थी, क्योंकि गृह विभाग के भी आदेश आए थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इन गृह विभागों के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आई और जो नए साल का जो स्वागत था उसके लिए जो कई होटल्स के अंदर यहाँ पर पार्टियां चल रही थी। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण का जो चंदवाजी थाना इलाका पड़ता है उसके अंदर एक ताला मोड़ के पास एक होटल है जिसका नाम है स्टार डस्ट। इस स्टार डस्ट होटल के अंदर एसपी शंकर दत्त शर्मा को सूचना मिली थी कि यहाँ पर शराब का सेवन कराया जा रहा है और साथ में हुक्का बार संचालित और पार्टी भी आयोजित हो रही है। इसी सूचना पर यहाँ पर जो चंदवाजी थाना प्रभारी है विक्रांत शर्मा और साथ में राजेंद्र कुमार जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने इस होटल के अंदर दबिश मारी थी। तो यहाँ पर मौके पर जो युवक युवतियां थे जो इस होटल के अंदर थे, क्योंकि दूर इलाका पड़ता है और शहरी इलाके से निकल करके लोग ग्रामीण इलाके के अंदर यहाँ पर हुक्का बार और पार्टी कर रहे थे, तो वहां पर चंदवाजी थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने कार्रवाई करते हुए तमाम जो हुक्का थे जहाँ पर हुक्का पी रहे थे लोग और पार्टी कर रहे थे उनको हुक्काओं को यहाँ पर जब्त किया है और करीब आधा दर्जन से एक दर्जन से ज्यादा हुक्का फ्लेवर के डिब्बे, तंबाकू, चिलम, पाइप समेत अन्य जो तंबाकू उत्पाद हैं उनको यहाँ पर जब्त किया गया। साथ में एक विजय नरेडी है जो होटल का जो मैनेजर है उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो शराब का सेवन कराया जा रहा था तो ऐसे में पुलिस ने होटल मैनेजर और साथ में जो होटल के जो मालिक है उनके खिलाफ यहाँ पर एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ में कोटपा एक्ट जो की धूम्रपान के तहत यहाँ पर जो धाराएं लगती है और साथ में जो हुक्के का जो पान कराया जाता है उसके तहत यहाँ पर इन ऑफेंसों के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है और साथ में यहाँ पर जितने जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर पाबंद किया गया है। लेकिन साथ में जो लोग इसमें हुक्का पी रहे थे, यहाँ पर शराब का सेवन कर रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ भी यहाँ पर जो एक्साइज एक्ट के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया। और जो युवक युवतियां जो रंगे हाथों हुक्का पीते हुए पाए गए थे, क्योंकि देर रात चल रहा था पूरा और पार्टियां वार्टियां सब बंद थी और ऐसे में हुक्के का सेवन करना प्रतिबंधित है और उसी के चलते यहाँ पर जो हुक्के का सेवन हो रहा था उसको लेकर के यहाँ पर उनके खिलाफ युवक युवतियों के खिलाफ यहाँ पर जुर्माना किया गया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो धारा लगी थी उसके तहत भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है और सभी होटल मैनेजर मालिक हो चाहे उनको सबको भी यहाँ पर पाबंद किया गया है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एक दर्जन से ज्यादा हुक्का फ्लेवर के डिब्बे अन्य उत्पाद जब्त हुए हैं, युवक युवतियों पर भी जुर्माना लगाया गया है कोरोना के चलते, क्योंकि सब कुछ प्रतिबंधित था और ऐसे में यहां पर ये पूरी एक तरीके से कह सकते हैं नाइट पार्टी हो रही थी, तो युवक युवतियों पर जुर्माना लगाया है। होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है।